क्यों भाई, रेवाड़ी वालों की आवाज को क्या हो गया है? राव तुलाराम की भूमि है भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक सभी लोग दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज की इस भाजपा की सभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बडोली जी, हमारे सुरेंद्र नागर जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर वन्ना जी, श्री अरुण चतुर्वेदी जी, हुकमचंद जी, और आज जिन तीन प्रत्याशियों को मैं जिताने के लिए आया हूं, ऐसे हमारे आगे आइए लक्ष्मण जी, श्री लक्ष्मण यादव रेवाड़ी, ताली बजाइए जोर से जरा। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी बावल से, श्री अनिल यादव जी कोसली से, तीनों के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। भाइयों बहनों, ये तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताकर हमने चंडीगढ़ भेजना है, ये बात हम सबको याद रहनी चाहिए। बैठिए भाई साहब। आज सबसे पहले मोती चौक घंटेश्वर मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। रेवाड़ी आया हूं तो सन 57 की क्रांति के महानायक, हरियाणा के ही सुपुत्र श्री राव तुलाराम जी को उनकी देश के लिए किए हुए कामों के लिए प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये हरियाणा की भूमि बलिदान और वीरता की भूमि है। ये हरियाणा की भूमि ज्ञान, अध्यात्म और गीता की भूमि है। ये हरियाणा की भूमि शक्ति और समृद्धि की भूमि है। ये हरियाणा की भूमि से हम सब गुजरात से आते हैं। हमारे यहां गुजरात में हरियाणा, पंजाब उसको बड़े सम्मान से देखते हैं, क्योंकि हरियाणा ये भूमि है जिसकी माताओं ने सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का लाल भेदने का काम किया है। देश की सीमाएं सुरक्षित है, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, तो इसमें हमारे हरियाणा के जवानों का बलिदान, वीरता और शौर्य शामिल है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मुझे याद है मोदी जी ने 2014 के प्रचार की शुरुआत यही हरियाणा से की थी, यही से की, और उन्होंने वादा किया था कि 40-40 साल से वन रैंक वन पेंशन का जो मांग हमारे सेना के जवानों का, उनके परिवारजनों का है, उसको हम पूरा करेंगे। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक 40 साल तक कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 2015 में वन रैंक वन पेंशन देने का काम कर दिया, और आज एक महीने पहले
वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन भी लागू करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है अफवाह फैलाने के बगैर, कोई काम नहीं करते। और इसीलिए हमारा हरियाणा इतना पिछड़ गया था। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये 10 साल के अंदर हरियाणा में भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त कर दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, कट कमीशन और करप्शन से चलती थी, डीलर दलाल और दामादों का राज चलता था। भाजपा सरकार में ना डीलर बचे ना दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा हमारा निभाया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को भी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रवि का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं, पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसान को अपने खेत में जो बोना है वो बोए, उसको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कांग्रेस की सरकार थी, धान का दाम 1310 रुपया था, अभी 2300 रुपया हुआ। और हरियाणा वालों,
कमल फूल की सरकार बना दो, आपका धान 3100 रुपये खरीदने का काम हम करेंगे। ये बाजरे का प्रदेश है, यहां पर बाजरे की MSP 1250 थी, 1250, और नरेंद्र मोदी जी ने बाजरे की MSP 2625 करने का काम किया है, 2625। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार थी तब बाजरा नहीं खरीदते थे, राजस्थान में आपकी सरकार थी वो भी नहीं खरीदते थी, वो राजस्थान का बाजरा हरियाणा में आकर राजस्थान के किसान बेचते थे, क्योंकि यहां हम MSP पर लेते थे। गेहूं की MSP 1400 रुपया थी, हमने गेहूं की MSP को 2275 रुपयों तक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और सरसों जो 3050 रुपये पर थी उसको 5650 रुपया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं आज कांग्रेस वालों को चैलेंज लगाकर जा रहा हूं, आपके शासन में जब UPA की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल में कितना धान कितना गेहूं खरीदा इसका हिसाब लेकर भेजिए, हमारी ये डॉक्टर बहन जिला अध्यक्ष को मैं भेज दूंगा, दो दो हाथ हो जाए, आपने हमसे आधा भी धान नहीं खरीदा। कर्नाटक और तेलंगाना में आपकी सरकार है, MSP पर कितना खरीदते हैं वो बताइए जरा। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार को किसान 2 रुपये मुआवजे वाली सरकार कहते थे, क्योंकि आपके समय में अगर बेमौसम बारिश आई, ज्यादा बारिश आई, तो बर्बाद फसल के लिए 2-2 रुपये के चेक भेजे जाते थे, 2-2 रुपये के चेक। ये जमाना नहीं है, भारत भाजपा सरकार ने किसानों को मुआवजे में देने की रकम में अनेक गुना बढ़ती की है। ये रेवाड़ी वालों मुझे जरा गंभीरता से बताना, मैं खुद पूछने आया हूं और मेरे मन से लगा हुआ सवाल है, इसलिए पूछना था, ये जम्मू कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? वहां से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा अभी वहां जाकर कह कर आए कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, राव तुलाराम की भूमि से कहकर जाता हूं, आप तो क्या आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकते। ये कश्मीर हमारा है और इस पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। भाइयों बहनों, एक कहते हैं वहां जाकर कहते हैं कि हम सारे टेररिस्ट और पत्थरबाजों को जेल से छोड़ देंगे। क्या मजाक बना रखा है? 40-40 हजार लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए, हमारे सेना के जवान शहीद हो गए और आप उनको छोड़ दोगे? अरे राहुल बाबा, हिम्मत हो तो हरियाणा में आकर वो ही भाषण करिए जरा। कश्मीर में एक भाषण, हरियाणा में दूसरा भाषण, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बैठकर कहते हैं कश्मीर में तिरंगा नहीं, दूसरा झंडा लगाएंगे। मैं कह देता हूं राहुल बाबा, अब वो जमाना गया, मोदी जी का शासन है, कश्मीर में फहरेगा तो हमारा तिरंगा फहरेगा और कुछ नहीं। ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में तुष्टिकरण पर करने में लगे हैं। उनको राम मंदिर बने वो भी पसंद है,
संसद में खड़े रहकर मखौल उठाते कि अयोध्या में अयोध्या के विचार को हमने पराजित कर दिया। राहुल बाबा क्या बोल रहे हो, आपकी चार पीढ़ियों ने रामलल्ला को टेंट में रखा था, भगवान भला करे नरेंद्र मोदी का, इन्होंने भव्य मंदिर बनाने का काम किया। हरियाणा वालों, रेवाड़ी वालों, मुझे बताओ अयोध्या में राम मंदिर बना अच्छा हुआ या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ या नहीं हुआ? अगर ये राहुल बाबा आते रेवाड़ी तो पूछना जरा, राहुल बाबा राम मंदिर का आप विरोध क्यों कर रहे? अभी अभी राहुल बाबा विदेश गए थे। जब कुछ भी उलझुल बोलना होता है तो विदेश में जाकर बोलते हैं, उनको ऐसा है कि वहां बोलेंगे तो यहां कोई सुनेगा नहीं। अभी जाकर कहा कि हम एसटी एससी और ओबीसी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, ये हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं और वहां जाकर अमेरिका में अंग्रेजी में बोलकर आए कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा कैसे करोगे? सरकार हमारी है और मैं कह देता हूं जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। जब तक एक भी सांसद है, हमारे दलित भाइयों का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। पूरा जीवन बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, उनका कोई स्मारक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहेब अंबेडकर के पांचों स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भाइयों बहनों, यहां 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, वो नॉट फाउंड सुटेबल करकर नौकरियों में आरक्षित वर्ग को वंचित रखते थे। हमने पिछड़ा वर्ग के सभी जातियों को आरक्षण में लाया, क्रीमी लेयर को बढ़ाने का काम किया और जितनी भी नौकरियां दी, किसी को ना खर्ची लगी है ना पर्ची लगी है, पारदर्शिता से नौकरी दिया। कांग्रेस के जमाने में दलाल और डीलर अपॉइंटमेंट लेटर देते थे, भारतीय जनता पार्टी के राज में डाकिया अपॉइंटमेंट लेटर देकर आता है, सगुन का 51 रुपया दे दो, डाकिया अपना लेटर आपका लेटर दे देगा। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने हमारे युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है और कांग्रेस के कारण ही हथीन से लेकर थानेसर और पलवल तक आज हरियाणा की वीर भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। भाइयों बहनों, 10 साल में हरियाणा में हमने ढेर सारे विकास के काम किए। हरियाणा बासमती चावल का निर्यात में देश का सबसे बड़ा निर्यातक बना। 10वां जवान हरियाणा से जाता है, 24 की 24 फसलें हम खरीद लेते हैं। गांवों में लाल डोरी के डोरे के भीतर मालकाना हक केवल हरियाणा में दिया। हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, हर घर में पीने का पानी पहुंचाया, हर घर में शौचालय पहुंचाया, पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई, 50% आरक्षण माताओं को दिया और देश का सबसे पहला आयुष विद्यालय मेरे हरियाणा में बना, हरियाणा में बना। भाइयों बहनों, आज हमने, मैं यहां की बात करूं, हरियाणा सुपर 100 के नए कैंपस का शिलान्यास हमने यहां किया।